हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल आदाब वड़कम एंड योर विद नम्रता। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज्वेलरी हैक्स। एंड गाइस इंस्टाग्राम पे मेरे चल रहा है गिव अवे, अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो स्क्रीन पे मेरा आईडी फ्लैश हो रहा है, तो फटाफट से जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए। लेकिन रुकिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वहां पे चले जाइएगा। सो या गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस द फर्स्ट हैक इज की इस तरीके की इयररिंग्स तो हम सबके पास होती ही होती है, तो इसमें मैं क्या करने वाली, ये जो है इसका ये मैं यहाँ से निकाल दूंगी। सो मैं लेने वाली हूँ सिर्फ ये वाला पार्ट, दिस वन, और कोई भी अपनी इयररिंग्स ले लें तो मैं यहाँ पे ये वाली इयररिंग्स ले रही हूँ, जो भी इयररिंग्स है वो ले लें। अब इस इयररिंग में एक ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, एज यू कैन सी, दूसरा वाला भी मैं कुछ इस तरीके से डाल दूंगी। सो दोनों साइड से मैंने इसे डाल दिया है और अब मैं इससे इसका जो कैप है इयररिंग्स का वो लगा दूंगी। कैप बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, जो भी हो इसे हम इस तरीके से लगा देंगे। सो आपको इस तरीके का ब्लैक कलर का धागा ले लेना है। अगर आपके पास इतना मोटा कोई धागा है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैंने क्या किया, मेरे पास भी नहीं था तो सुई धागा तो रहता ही आपके पास, तो ये वाला धागा लेना है आपको और उसको बहुत सारे ऐसे लेयर कर देंगे तो ये इतना मोटा बन जाएगा। एज यू कैन सी, ये देखिए ये इतना मोटा बन जाता है। जो इयररिंग्स में हमने डाला है इसी में, इसके एकदम बीचों बीच आपको ऐसे लेके जाना है और एक नॉट बांधना है। सो गाइस इस तरीके से मैंने नॉट बना लिया, अब ये हो गया मेरा धागा। सो गाइस एज यू कैन सी बेसिकली मैं ये बना रही हूँ माथा पट्टी वाला मांटी का। सो अब मैं इसे लगाऊंगी कुछ ऐसे और दोनों साइड में कुछ इस तरीके से लगा दूंगी, तो ये जो धागा है वो मैं पीछे अच्छे से लेके जाके पीछे बॉबल पिन से सिक्योर कर दूंगी। आई एम लविंग दिस। सो गाइज नेक्स्ट हैक में हम लेंगे कोई भी मांटिका, जो भी मांटिका आपके पास हो, तो मैंने ये वाला मांटिका लिया है और इसका क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि दुपट्टा एकदम ऐसा प्लेन है या प्लेन आपका ड्रेस भी है, सूट भी है, तो आप इसे इस तरीके से लगा दें। सो गाइज इस तरीके से आपको मांटिका को लगाना है और इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसके अंदर इस तरीके से टक कर दूंगी और ये थोड़ा सा लूज होगा इस वजह से, बिकॉज यू नो थोड़ा सा लेंथ ज्यादा होता है मांटिका का, तो व्हाट आई विल डू कि ये अंदर से, यहाँ अंदर से बॉबी पिन ले लूंगी और यहाँ अंदर इस तरीके से लगा दूंगी और दुपट्टे से कवर कर दूंगी। एंड ये देखिए, तो अपने प्लेन से दुपट्टे को आप इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपने कोई ज्यादा ज्वेलरीज नहीं वेयर की है तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा लुक दे देता है इंस्टेंटली। अलग से आपको ऐसे कोई ब्रॉच वेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी और प्लेन सूट या प्लेन दुपट्टा है, इवन मैंने मेरा ये ड्रेस प्लेन भी नहीं, बट स्टिल ये कितना बहुत सुंदर लग रहा है। एज यू कैन सी ये एक रॉयल लुक दे देता है। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी नाइस हैक। पर्सनली मुझे ये वाला हैक बहुत ज्यादा पसंद आता। के लिए मैं ले रही हूँ इस तरीके का ये नेक पीस है मेरे पास। अगर आपके पास इतना पतला नेक पीस नहीं है तो आपके पास ब्रेसलेट तो इस टाइप का जरूर होगा ही होगा, तो इसको मैं क्या करने वाली हूँ, इसे मैं यहाँ पे एज अ हेयर एक्सेसरीज वेयर करने वाली हूँ। जो कि हेयर एक्सेसरीज है और ये हेड पे इस तरीके से लगाने वाला, बट मैं इसे एज अ चोकर वेयर करूंगी लाइक दिस। सो ये मैं इसको पीछे ले जाके इस तरीके से टाइट करूंगी बिकॉज मैं एज अ चोकर इसे वेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे पीछे मैं एक रबर बैंड से इसे टाई कर दूंगी।
ये वेस्टर्न वेयर पे ज्यादा अच्छा लगता है, सो दैट्स व्हाई मैंने दुपट्टा निकाल दिया। आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके का आप कोई टॉप वेयर करते हो तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब आप हेयर एक्सेसरीज को चोकर बना लें, चोकर को हेयर एक्सेसरीज बना लें, आप एक चीज का मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। सो गाइस, नेक्स्ट हैक के लिए आपके पास इस तरीके के ऑक्सीडाइज इयररिंग्स तो होगी ही होगी। अगर इस तरीके की दो लेयर वाली नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं वो भी बताऊंगी। तो आपको करना क्या, सिर्फ आपको इसको लेना है और आपके प्लेन कोई भी प्लेन कुर्ती में इस तरीके से टक कर देना है। और अगर आपके पास, जैसे मैंने बोला कि इस तरीके का दो लेयर वाला नहीं है, इस तरीके के दो ऑक्सीडाइज इयररिंग्स तो होंगे, तो आपको करना क्या है, बस इसके And yeah, that's it. As you can see, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। So guys, जो next hack है, उसके लिए मुझे अपना earrings निकालना पड़ेगा। आप चाहे तो इस तरीके का hoops ले ले, या आप bangle भी ले सकते हैं। आपको इसके अंदर डालना है ऐसे, hoops ले ले, या और अगर bangle ले रहे हैं तो, और इससे इस तरीके से lock कर दें। और अगर आप चाहें तो उस तरीके का एक बैंगल आता है जिसमें स्टोन्स लगे रहते हैं, वो वाला लेंगे तो वो और भी अच्छा दिखेगा। मेरे पास ये प्लेन हूप्स था तो मैं ये यूज कर रही हूँ। सो इस तरीके से अगर आप यू नो चाहते हैं कि बिग इयररिंग्स बनाएं, तो आप ऐसे बना सकते हैं बिग इयररिंग्स। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इयररिंग्स का माथा पट्टी वाला मांटिका बताया था, तो आप इस तरीके की इयररिंग्स को एज अ मांटिका भी यूज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इयररिंग्स पे ये ब्लैक कलर का धागा ऐड करना है। तो गाइस, इयररिंग का ये वाला जो टॉप वाला, इसे निकाल के यहाँ पे काला धागा अगर आप डालेंगे तो वो और भी ज्यादा रियल दिखेगा। और मेरे पास छोटा सा चेन पड़ा था, दैट्स व्हाई मैंने इस चेन में डाल दिया। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये इयररिंग्स है या मांटिका। तो मैंने इसे बहुत सारे मेरे वीडियोस में एज अ मांटिका वेयर किया है और ये बहुत ही क्यूट लगता है। नेक्स्ट हैक के लिए आपको थोड़ा सा एकदम पतला जो है, आपको दुपट्टा इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे ले रही हूं मैं ये वाला इयररिंग्स। अब इयररिंग को लेना है और दुपट्टे के इस तरीके से आपको बीच में डालना है। इसे दूसरे साइड से आप देखेंगे तो इस तरीके से निकल जाएगा, बिकॉज दुपट्टे का जो फैब्रिक होता है वो पतला होता है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसका कैप लगा दें और बस। और ये आपको चुभेगा नहीं इसलिए, बिकॉज आपका जो कपड़ा है वो आप इसके ऊपर इस तरीके से लेयर अप कर दें। तो आप देख सकते हैं आपको नेक पीस वेयर करने की जरूरत नहीं, आप अपने सिर्फ एक इयर रिंग से दुपट्टे में ऐड कर लीजिए एंड बूम। और गाइस, ऐसा ही नहीं कि आप यही वाले इयररिंग के साथ, आप किसी भी इयररिंग्स, इस तरीके की जो इयररिंग्स है उनके साथ भी आप इस तरीके से अटैच कर देंगे तो भी ये अच्छा लगेगा। जो भी इयररिंग्स है आपके पास, आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं इजीली। एंड गाइस, प्लीज प्लीज ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स कि आपको ये दिवाली सीरीज कैसी लग रही है, बिकॉज आई एम वेरी ईगर टू नो कि आपको ये वीडियोज जो बना रही हूँ दिवाली सीरीज वाले, वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं, या शायद आपको पसंद नहीं आ रहे हो, या जो भी है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। बिकॉज दिस टाइम लाइक आई एम वॉज, मैं अगर मैं आपको बोलूँ इन शॉर्ट, मैं सो भी नहीं रही। बिकॉज कैसा हुआ कि जो दिवाली सीरीज है वो मैंने बहुत एम टाइम पे जस्ट सोचा कि ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ। लाइक मैंने 28 नवंबर को ये डिसाइड किया है कि आई स्टार्ट अ दिवाली सीरीज, और वो भी 1 नवंबर से। तो मैं, ऐसा हो रहा है कि मैं मॉर्निंग में उठ रही हूँ, शूट कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, फिर सो रही हूँ, फिर शूट कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। लाइक 4 to 5 hours की नींद मुझे मिल रही है और मैं लाइक कंटिन्यूस काम कर रही हूँ। सो जस्ट बस मैं इतना ही बोलूंगी कि थोड़ा सा एप्रिसिएशन लाइक फॉर योर लाइक्स, अगर आप लाइक कर दें हर वीडियो को देखें तो मेरे लिए उतना ही बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा इतना सपोर्ट करें। एंड ऑल्सो यही मैं बोलूंगी कि प्लीज मुझे बताइए कि आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग। एंड गाइज, प्लीज डू सपोर्ट विथ योर लाइक्स, बिकॉज लाइक्स करने में कुछ भी नहीं जाता है। शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स में। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड बी स्टाइलिश।